हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने हैं मैंगो का पापड़ बनाने। बहुत ही इजी है ये मैंगो का पापड़ बनाने में। अगर आपका घर में आम है तो बहुत ही आसानी से आप मैंगो का पापड़ बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंगो का पापड़ बनाने में शुरू करें। सो गाइस, मैं इसमें 700 ग्राम मैंगो लेकर अपने हिसाब से पोल निकल के इस तरीके से पीस करके ले आया हूँ। साथ में ये है शुगर 100 ग्राम और इलायची का पाउडर 1/4 चम्मच और इसमें घी है 2/4 चम्मच। तो फ्रेंड्स, अभी मैंगो को ग्रेट करके लेना है ग्राइंडर मिक्सर के साथ। उसे मैं अभी उसमें ग्रेट करके लेने जा रही हूँ। तो अच्छे से वहाँ पे एक साथ डाल के पेस्ट कर रही हूँ। 7 से 8 मिनट तक ऐसा ही ग्रेट करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने मैंगो को ग्रेट करके ले लिया। तो देखिए, ये अच्छे से ग्रेट हुआ है। तो उसे मैं अभी निकाल के एक बॉल पर रख रही हूँ। रखने के बाद तो देखिए ये किस तरह हुआ है, पूरा स्मोर से पैस हुआ है ये मैंगो। तो चलिए अभी एक कढ़ाई बैठा के कढ़ाई पे उस मैंगो का पेस्टी को डाल के लेना है। तो थोड़ा सा चलाना है, उसके बाद उसमें 100 ग्राम शुगर को डाल के ले रहा हूँ। डालने के बाद उससे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह ही मिक्स करना है अच्छा से। ये मैंगो का पापड़ को बनाने में ये चलाती हुई बनाना है। तो उसे ऊपर के मैं अभी इलायची का पाउडर ऐड करके ले आया हूँ। लेने के बाद फिर से अच्छा से मिक्स करके लेना है। ऐसे ही चलाती हुई मैंगो का पापड़ को बनाना है। फ्रेंड्स, गैस को मीडियम फ्लेम में करके ही बनाना है मैंगो का पापड़ को। अगर ज़्यादा फ्लेम में दिया तो ये जल जाएगा, लो फ्लेम में भी नहीं होगा। ये मीडियम फ्लेम में रख कर ही बनाना है। इसी तरह ही चलाती हुई रखना है। अगर आप लगभग घड़ी देखकर बनाते हैं तो 18 से 20 मिनट ही पकाना है इस तरह चलाती हुई। उससे ज़्यादा भी नहीं और कम टाइम भी नहीं, आप घड़ी देखकर ही बना सकते हैं 18 से 20 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे आम का पापड़ बनाने में कितना गाढ़ा होके आ गया। तो इसे मैं अभी निकल के ले रहा हूँ। निकल के लेने के बाद एक थाली ले रहा हूँ मैं, प्लेन थाली लेकर उसी में मैं अभी घी को ऐड करके ग्रेस करके ले रहा हूँ। ये अच्छे से ग्रेस करना चाहिए। अगर आपका घर में घी नहीं है तो ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं थाली पे। ऐसा करके ग्रेस करके लेने के बाद उसी ऊपर में मैं अभी आम को डाल के लेना है। आम को डाल के लेने के बाद ये अच्छे से इसी तरीके से प्लेन करके लेना है। प्लेन करके लेने के बाद उसे मैं अभी 2 से 3 दिन धूप में देना है। मैंने इसे 2 दिन ही धूप में दिया हूँ। 2 दिन धूप में देने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे आम का पापड़ कैसे हुआ है। बहुत ही अच्छे से सूख गया। देखिए इस तरह से ये निकल सकते हैं आराम से 2 दिन सुखाने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैंने कितनी आसानी से आम का पापड़ बना के ले आया हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से आम का पापड़ बना सकते हैं। एक बार जरूर इस तरीके से बना के सर्व कर सकते हैं। हर छोटे बड़े का पसंद है ये आम का पापड़। सो फ्रेंड्स, आम का पापड़ बनाने में जितना इजी सिंपल होता है, पर खाने में बहुत टेस्टी यम्मी होता है। इस मौसम में तो आम अवेलेबल मिलता है घर में, किसी के घर में तो अवेलेबल होता है, मार्केट में भी अवेलेबल होता है। तो आम का सीज़न में इस तरह से आम का पापड़ बना के आप सर्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो के पसंद आएगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और साथ में सब्सक्राइब प्लीज़। और मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए एक बेल आइकन को भी क्लिक करना। फिर से मुलाकात होंगे आप लोगों के साथ नए वीडियो, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।